वेलकम स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी, मतलब सेल्स और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस, उनकी खासियतें। हर एक सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन उसका होता है, तो आज हम वो पढ़ते हैं। एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या है? टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो किस्म के हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेकंड को हम कहते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड वन सेल या सिंगल सेल, और मल्टी का मतलब है मैनी। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो ये दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं हमारे पास, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिंगल सेल होता है, लेकिन वही एक ही सेल परफॉर्म्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। एक सेल है बट इट परफॉर्म्स ऑल द बॉडी फंक्शंस। दैट इज लाइफ रिक्वायर्ड। जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी काम हैं, वो सारे फंक्शन इस एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होती हैं, क्योंकि ये सिंगल सेल एक पूरी लाइफ रिप्रेजेंट करता है, एक पूरी लाइफ है। फॉर एग्जांपल अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लीना है। तो ये सारे क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह यूग्लीना एक्सेट्रा, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? ये यूनिसेलुलर हैं। तो उसमें ये एक ही सेल है, इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, लेकिन उस एक ही सेल के अंदर लाइफ रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, जैसे रिस्पायरेशन है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, और आपकी डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, तो सब कुछ इस एक ही सेल के अंदर परफॉर्म होती है। तो ये कम्प्लीटली एक लाइफ है। दूसरी साइड पे हमारे पास दूसरा ग्रुप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हायर प्लांट्स प्लस एनिमल्स। हायर प्लांट्स और एनिमल्स ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनकी बॉडी बहुत ज्यादा सेल्स से बनी है। हैविंग मल्टीसेलुलर बॉडी, प्लांट्स, हायर प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी मल्टीसेलुलर है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा? हैविंग मल्टीसेलुलर बॉडी हैज एन एडवांटेज। अब वो फायदा क्या है? एडवांटेज इज देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। इस तरह कोई फैक्ट्री होती है, उसमें मुख्तलिफ लेबर्स काम करते हैं, या फिर किसी खेत वगैरह में लेबर्स काम करते हैं। किसी फैक्ट्री में लेबर्स हर एक का एक स्पेसिफिक एक रोल होता है, लेकिन तमाम लेबर्स का जो फिर फोकस है वो सेम होता है, कोई चीज़ की प्रोडक्शन, कोई चीज़ तैयार करना। इसी तरह मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी बॉडी मल्टीसेलुलर होने का फायदा ये है कि डिवीजन ऑफ लेबर है उसमें। अब डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक बॉडी का सेल, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम का एक खास एक स्पेसिफिक रोल फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल और बॉडी इज मल्टीसेलुलर। हमारी बॉडी क्या है? मल्टीसेलुलर है। और बॉडी इज मल्टीसेलुलर। हमारी बॉडी, हम इंसान हैं, हमारी बॉडी मल्टीसेलुलर है, प्लांट्स की भी बॉडी मल्टीसेलुलर है। अब यहाँ पर हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं। अब ईच ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है? मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिर ऑर्गन से सिस्टम बनता है, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, उसके बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। अब ये मल्टीसेलुलर
गोरी है। यहां पर एक सिस्टम है तो वो क्या करता है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक ओनली वन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का सिर्फ एक ही रोल होता है, क्या रोल होता है, टू टेक द फूड दैट वी ईट, डाइजेस्ट इट, एब्जॉर्ब इट एंड रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, टू टेक द फूड, हम जो खुराक खाते हैं वो देन डाइजेस्ट इट, उसको हजम करें, देन एब्जॉर्ब इट, एब्जॉर्प्शन का मतलब है डाइजेस्टेड फूड का इंटेस्टाइन से ब्लड में जाना, इसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हैं। इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, वहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड ब्लड में चला जाता है, फिर ब्लड उसको टारगेट प्लेस तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है हर एक सेल टिश्यूज तक। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, और इसके साथ साथ टू रिमूव, रिमूव क्या करें, अनडाइजेस्टेड फूड, जो खुराक अनडाइजेस्टेड है उसको रिमूव करना, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल है। अब ये इस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक है, एक खास फंक्शन है इसका। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी सेल्स हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और लास्ट एनस तक पहुंचता है। अब यहां पर बहुत सारे पार्ट्स दरमियान में आते हैं। अब इस सिस्टम का काम ये हो गया, फूड की डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, फिर अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना। सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम नीड नॉट टू वरी अबाउट अदर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का ये रोल है तो दूसरे और फंक्शंस के बारे में इस सेल के लिए कोई वरी, कोई मतलब परेशानी नहीं है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल डाइजेशन के साथ है तो हाउ टू टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस तरह बॉडी के सेल्स लेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का उसके साथ कोई काम, कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को एक स्पेसिफिक जॉब असाइन हुआ है। अब टेकिंग ऑक्सीजन इज द जॉब या फंक्शन ऑफ एनदर सिस्टम, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में चला गया, फिर ब्लड से टिश्यूज तक पहुंच गया, सेल तक पहुंच गया। अब ऑक्सीजन लेना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। तो इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन का जो इन्हेलेशन है, फिर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। इसी तरह जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका डाइजेशन के साथ या फिर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के साथ, के ब्लड किस तरह सर्कुलेट होगा, तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये है सेल्स एंड देयर स्पेसिफिसिटी, कि हर एक सेल या फिर हर एक ऑर्गन में जितने भी सेल्स हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, फिर हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, और एक सिस्टम का जो फंक्शन है दूसरे सिस्टम का उससे कोई भी ताल्लुक नहीं होता, हर एक सिस्टम स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं प्लांट्स में, उसके साथ साथ हम एनिमल्स में एग्जांपल पढ़ते हैं। अच्छा, तो हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, लेकिन एग्जांपल्स पर जाने से पहले एक और अहम बात है, जो सेल्स की स्पेसिफिसिटी है किस वजह से है, इट इज ड्यू टू द सेल शेप प्लस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल्स। स्पेसिफिक जॉब्स क्यों हैं, ड्यू टू दियर स्पेसिफिक शेप, शेप की वजह से, प्लस प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स, तो इसकी वजह से सेल जो है अपने फंक्शंस में, या फिर सेल्स ऑर्गन्स के जो सेल्स टिश्यूज हैं वो अपने फंक्शंस में स्पेसिफिक हैं। अब प्लांट्स में हम पढ़ते हैं एग्जांपल्स। प्लांट्स में फॉर एग्जांपल जाइलम है, जाइलम टिश्यूज हैं। अब इनका काम क्या होता है, फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट्स से
रूट्स पानी सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं, फिर जाइलम अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जाइलम पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, हर एक पार्ट तक लीव्स तक पहुंच जाता है पानी। तो ये जाइलम का स्पेसिफिक फंक्शन है। अब जाइलम का ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर स्पेसिफिक फंक्शन क्यों है, बिकॉज वजह क्या है, बिकॉज जाइलम इज इन द फॉर्म ऑफ नैरो ट्यूब। जाइलम का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो नैरो ट्यूब की तरह है, इस तरह एक नैरो ट्यूब की शक्ल में है। अब इसमें पानी का लेवल या फिर किसी भी लिक्विड का लेवल एक नैरो ट्यूब में जल्दी राइज होता है, जल्दी ऊपर जाता है। अब नैरो ट्यूब होने की वजह से यहाँ पर जमीन से पानी रूट्स तक चला गया, फिर रूट्स से, रूट्स में जाइलम है, स्टेम में है, फिर उसके बाद लीव्स ब्रांचेज में है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्पेसिफिक करता है जाइलम को ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, मतलब इस यहाँ पर इसकी जो डायमीटर है वो कम है, नैरो है। अच्छा, नेक्स्ट इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर जो जाइलम टिश्यूज है, इनके जो वॉल्स हैं, यहाँ पर क्या है, इट सपोर्ट्स द वेट ऑफ वाटर। क्या करता है ये, सपोर्ट्स द वेट ऑफ वाटर। जो पानी जमीन से रूट्स में चला गया, रूट से जाइलम में, तो ये पानी यहाँ पर इसको सपोर्ट देता है, सहारा देता है, प्लस एक नैरो ट्यूब है तो उसमें लेवल जल्दी से ऊपर जाता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई कंटेनर है और यहाँ पर सपोज कोई भी लिक्विड है, वाटर है या फिर कोई भी एक लिक्विड है। अब यहाँ पर हम रखते हैं दो स्ट्रॉस, एक ये स्ट्रॉ और दूसरी हमने ये रखी, दोनों का डायमीटर डिफरेंट है, ये भी स्ट्रॉ है और वो भी स्ट्रॉ है, लेकिन दोनों का डायमीटर डिफरेंट है, ये नैरो है और उसका डायमीटर ज़्यादा है, वो वाइडर है। अब कौन से स्ट्रॉ में लेवल ऑफ लिक्विड जल्दी ऊपर जाएगा, क्या ख्याल है आपका? इसमें ना सपोज यहाँ पर लिक्विड का जो लेवल है यहाँ तक आ गया सेम टाइम में, सपोज 1 मिनट, 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड स्पेसिफिक टाइम में, और इस ट्यूब में लेवल यहाँ तक पहुँच गया। अब ये इतना जो गैप है किस वजह से है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द डायमीटर। अब इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, इसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन, या इसको हम कैपिलरिटी कहते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या कहता है, नैरोवर द डायमीटर द हायर विल बी द लेवल ऑफ लिक्विड। डायमीटर जितना कम होगा तो लिक्विड का लेवल उतना जल्दी वो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर डायमीटर कम वहाँ पर ज़्यादा। अब जाइलम जो टिश्यूज है इन द फॉर्म ऑफ नैरो ट्यूब है और इसी वजह से यहाँ पर पानी जल्दी राइज करते हैं, तो ये स्पेसिफिक उनका फंक्शन हो गया।